हमने देखा है कि बहुत घरों में घर के बाहर मम्मी या घर की बड़ी मैया के हाथ के प्रिंट करते हैं, कुमकुम और हल्दी रोली से। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों शुभ माना जाता है? जो घर की मैया होती हैं या घर की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, उनके हाथों के चिन्ह घर के बाहर बनाते हैं। कई बार नई दुल्हन के भी चिन्ह हाथों के बनाए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो घर की स्त्री होती है उसको लक्ष्मी माना जाता है। घर की स्त्री लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी जब हमारे घर में घुस रही है, तो आपने देखा होगा कि दुल्हन जब हमारे घर में आती है तो हम परात में रोली घोल के रखते हैं, कुमकुम घोल के रखते हैं, एक लोटे में चावल भर के रखते हैं, और दुल्हन उस लोटे को घर की ओर लुढ़काती हुई आती है। इससे बड़ी बूढ़ी माताएं पहचान लेती कि लोटा की दिशा किस ओर गई है। जब दुल्हन ने उसमें पांव मारा है तो वो घर की ओर सीधा की सीधा गिरा है या बाएं या दाएं चला गया है, इससे वो पहचान लेती थी कि इस बहू का रुख घर में कैसा रहेगा। अगर वो घर की ओर भीतर की ओर वैसे की वैसे आया है तो उससे वो पहचानती थी कि घर की बहू का रुख घर में कैसा रहेगा, उसका घर में किस तरह भाव रहेगा उससे। और दूसरा, जैसे ही वो जब उस समय घर में जब प्रवेश करती थी, पूरा प्रयास किया जाता था कि शुभ घड़ी मुहूर्त में ही वो सबसे पहले हमारे घर की देहरी में प्रवेश करे। तो वो कुमकुम की परात भर के रखी जाती थी, उस परात में दुल्हन अपने पांव रखती थी और उन पांव को फिर घर में लेकर के आती थी, तो उसके पांव की जो छाप है वो घर में बनती चले जाती थी। कहते थे वो साक्षात लक्ष्मी के पांव हैं, माने घर की बहू के, घर की दुल्हन के पांव हैं। इसी तरह लोग कई बार अपने गुरुओं के चरण चिन्ह भी, राजस्थान में आप देखेंगे तो, मैं कई बार मारवाड़ में जब गई हूँ तो वहाँ जब आप ऊपर राजस्थान, बिल्कुल जो शुद्ध राजस्थानी परंपरा जहाँ है, जैसलमेर जोधपुर के आगे आप जब निकल जाएंगे भीनमाल के आसपास, तो एकदम आपको शुद्ध राजस्थान दिखाई देगा। एक मारवाड़ की एक अपनी ही जीने की शैली दिखाई देगी, बोली भाषा दिखाई देगी। इतना इतना ज़्यादा प्रेम साधु संतों के प्रति आपको आज भी वहाँ पर दिखाई देगा कि कोई संत वहाँ घर में आते हैं तो उनके लिए घर का मालिक अपनी पगड़ी बिछा देता है, इतना प्रेम हमने वहाँ देखा है। और आज भी वहाँ पर कुमकुम की थाली भर के रखेंगे और उसमें किसी संत महात्मा के पांव रखवाएंगे और उन पांव को नया कपड़ा बिछाकर उस कपड़े पर छपवा के रखेंगे। अभी पिछले दिनों एक परिवार हमें मिला था, तो हम छोटी थी जब मैं वहाँ पर कथा सुनाने के लिए गई थी, तो वो परिवार मुझे मिला, तो उन्होंने वो उस समय जो उन्होंने, जब मैं उनके घर में गई थी तो उस समय उन्होंने पाँव के छापे लिए थे, वो आज भी तस्वीर में मड़वा के रख रखे हैं। तो वो प्यार अगर किसी संत महात्मा के प्रति है तो घर की बड़ी बूढ़ी के प्रति, अपने घर की माँ के प्रति तो वो होता ही है। तो जब हम वो माँ है, चूँकि वो घर की लक्ष्मी है, तो उनके हाथ में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उनके हाथों को कुमकुम में बोरकर घर के बाहर में छापा लगाते हैं, ताकि लक्ष्मी जी देख लें कि इस घर में शुभता का वास है, अर्थात इस घर में नारी की पूजा होती है, इस घर में नारी का सम्मान है, इस घर की स्त्री प्रसन्न है, इसीलिए उसके हाथ के छापे यहाँ बने हैं, उसके चरण चिन्ह यहाँ पर बने हैं। आज भी आपने कई घरों में देखा होगा छोटे छोटे चरण चिन्ह
बने हुए रहते हैं। कई लोग उनको स्टिकर से बनाते हैं, कई लोग उनको कुमकुम आदि से बनाते हैं, कई लोग पेंट से बनवा लेते हैं। मैं अभी भी बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में जाती हूँ, तो वहाँ कई आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में वो रोड से लेकर घर तक छोटे 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 लक्ष्मी जी के पांव बना देते हैं कि संत हमारे घर में आ रहा है, तो श्री लक्ष्मी जी हम माने साक्षात शुभता हमारे घर में प्रवेश कर रही है। इसी दृष्टि से इसको शुभ माना जाता है, क्योंकि जहाँ नारी प्रसन्न है, जिस घर की स्त्री प्रसन्न है, स्वाभाविक है उस घर में शांति है, उस घर में सुख है, उस घर में वातावरण पवित्र है। कई बार देखा है कि घर की स्त्रियां बहुत प्यार से बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर का पुरुष जब देखो हमेशा बहराता रहता है, जब देखो छोटी छोटी बात पे नाराज होकर के दिखाता है। तो जिस घर का पुरुष छोटी छोटी बात पे नाराज होकर के दिखाता है, घर की स्त्री माँ है या बहन है या पत्नी है या कोई भी है, वो घर की स्त्री उसको बहुत प्यार से बोलने की कोशिश कर रही है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं समझ रही है और बहरा रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अनचाहा कलह का वातावरण पैदा कर रहा है, तो उससे क्या है, वो घर की स्त्री सहम जाती है। वो चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो घर की स्त्री सहम जाती है कि कुछ बोला तो पता पड़ा पापा गुस्सा करेंगे, कुछ बोला तो पता पड़ा ये तो मानेंगे ही नहीं और पता नहीं कब किस बात पे नाराज हो जाएंगे। भोजन करते समय बस इतना पूछ लिया कि एक और रोटी ले आऊं, इतने पर ही गुस्सा होना है कि पूछ रही है लाना है तो दे दे, ला के दे दे, नहीं लाना है तो मत दे। मतलब इतनी सी छोटी सी बात पर भी बहराना, क्रोध करना, ये जो स्थिति है ये बताती है कि इस घर में शुभता का वास नहीं है, इस घर में परमात्मा का, श्री लक्ष्मी जी का वास नहीं है, क्योंकि इस घर की स्त्री सहमी हुई रहेगी, इस घर की स्त्री कहीं ना कहीं डरी हुई, दबी हुई रहेगी और इस घर में कभी समृद्धि नहीं होगी, इस घर में शुभता नहीं होगी। तो छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो ज़रूरी हो या नहीं ज़रूरी हो, धैर्य पूर्वक उनको समझना ज़रूरी है। तो घर में हाथों के कुमकुम से चिन्ह बनाने का अर्थ यही है कि इस घर की स्त्री बहुत प्रसन्न है, इसीलिए वो अपने हाथों के छाप, क्योंकि उसके हाथ में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए वो अपने हाथों के छाप घर के द्वारे पर, देहरी दरवाजे के दोनों कोने पर बनाती हैं ताकि शुभता का संकेत दे सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और घर छोटी छोटी बात पे पुरुष गुस्सा कर रहा है, स्त्रियां सहमी हुई हैं या स्त्रियों का वर्चस्व है या कुछ भी ऐसा है, तो फिर ये कुमकुम के हाथ लगाना या नहीं लगाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।